नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ईद मिलादुन्नबी शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक कर निर्णय लिया जा चुका था, जिसको देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित कर दिए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। जिले में ईद मिलादुन्नबी पर निकलने वाले सभी जुलूस प्रतिबंधित कर दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर का कहना है कि पारंपरिक निकलने वाला कोई भी जुलूस जिले में नहीं निकाला गया है। बैठक में एक ही मार्ग तय हुआ था और बैठक में यह बात सामने आई थी कि ईद मिलादुन्नबी में तकरीर होती है, जिनमें हजरत मोहम्मद के बारे में लोगों को जानकारियाँ दी जाती हैं। यह तकरीर मस्जिदों और मैदानों में आयोजित की जाती हैं। मिलौनीगंज से कई रास्ते सुबह शाह मैदान के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी पारंपरिक जुलूस नहीं निकला। मस्जिदों में नमाज के बाद लोग जलसा और तकरीर सुनने के लिए निकले। यही लोग मिलौनीगंज के रास्तों से होते हुए सुबह शाह मैदान की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने तैनात पुलिस बल पर पटाखे छोड़ दिए, जिसकी वजह से पुलिस ने मोर्चा संभाला और शरारती तत्वों को सबक सिखाया। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव करने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायर भी किए थे और भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए, क्योंकि यह रास्ता मुस्लिम क्षेत्रों से होता हुआ सुबह शाह मैदान जा रहा था। इसलिए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लोगों को मिलौनीगंज मार्ग से सुबह शाह मैदान जाने की अनुमति दी गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया, अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, आज ये जुलूस निकला है, जैसा कि आपको विदित है, आज ईद मिलादुन्नबी का पर्व था और इसमें मस्जिदों में तकरीर, परिसरों में तकरीर होती है, तो अलग अलग जगह तकरीर थी। तो जो कोर मुस्लिम क्षेत्र था, उसके रूट में जो लोग जो जा रहे थे, उसमें से एक संवेदनशील पॉइंट मछली मार्केट था। मछली मार्केट क्योंकि संवेदनशील पॉइंट था, यहाँ बल तैनात था, तो यहाँ कुछ असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने पुलिस का जो यहाँ डिप्लॉयमेंट था उस पर कुछ पटाखे एवं बाद में कुछ पथराव किया। पुलिस ने अपने बचाव में फिर उनको खदेड़ा और उन पर फिर कुछ टीयर गैस शेल का उपयोग किया। स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अभी आप देख रहे हैं पूरा मूवमेंट जो हो चुका है और स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो जिन्होंने ये आपराधिक कृत्य किया है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक है, दबा दिया मेरा। वैसे यही है जो समझता है सर, ये जुलूस ये लिए आज ईद का अवसर था और जो ईद के जितने भी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों से चर्चा हुई थी। ये उन्हीं का रास्ता है जिसमें कि नमाज के पढ़ने के पश्चात, दोपहर की नमाज के पश्चात इनको निकल के अपने तकरीर वगैरह के लिए जाना था। किसी असामाजिक व्यक्ति ने पुलिस पे पटाखे और कुछ पत्थर के वगैरह फेंकने की कोशिश की थी, जिसको हमने सख्ती के साथ में पुलिस ने कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट वगैरह सभी उपस्थित थे और उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, उस पर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। और फिर बाकी जो उनका रूट था उसमें फिर हमने हमारी प्रेजेंस में उस रूट पर जो है बाकी लोग निकल गए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि सब अपने अपने जो शाम की नमाज है उसमें नमाज अदा कर रहे हैं और उसके बाद अपने घर पर। सर, इजाजत है इस पूरे शांति समिति की बैठक में प्रतिबंधित किया गया था जुलूस, मुफ्ती आजम ने भी बोला था, बावजूद इसके जुलूस।